देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज 41वां स्थापना दिवस है, जिसे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। इसी के तहत फरीदाबाद के सेक्टर 11 और 16 में बीजेपी कार्यालयों पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी और लोगों से बीजेपी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। जनसंघ में काम करने का मौका मिला, जब जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया था, उसके बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से मुझे कार्यकर्ता के नाम जुड़ने का मौका मिला। एक्टिव रूप से काम करता रहा हूँ। सारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा पार्टी ने ग्रो किया है और आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो जमीन से जुड़े हुए जो हमारे मेन इश्यू थे अंत्योदय के लिए काम कर रही है, तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। इस दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के संबोधन को भी सुना और पार्टी नीतियों पर अमल करने का निर्णय लेते हुए पार्टी के ध्वज और भारत माता को सलामी भी दी। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। अब इसके बाद हमारे हर फरीदाबाद के हर बूथ पर, जिले के हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता अपने संगोष्ठी करेंगे। अपने कार्यकर्ता 20-20 के लगभग इकट्ठे होंगे और हर बूथ पर ध्वजारोहण, आज पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे हम सब मिलकर। तो ये कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से है, तो सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लोगों ने काम कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। अभी हम अपने जिले के जो हमारा कार्यालय उस पर ध्वजारोहण करेंगे और हर प्रत्येक बूथ पर, फरीदाबाद जिले के प्रत्येक बूथ पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं और ध्वजारोहण होगा। दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर सभी पार्टी के पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन से एक नई ऊर्जा का संचार सभी कार्यकर्ताओं में हुआ है और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, एक कार्यकर्ताओं में जिस तरह के जोश का संचार हुआ है, उससे निश्चित ही पार्टी को और मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ता पूर्व की भांति निरंतर प्रयास करते हुए जिससे पार्टी सत्ता में रहे और देश का गौरव ऊंचा रहे, इसके लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और जैसे मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को नेतृत्व दिया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनका कोई भी उद्बोधन होता है, कोई भी भाषण कार्यकर्ताओं को सुनने का अवसर मिलता है, तो निश्चित ही एक नई ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता पार्टी के काम में आगे जुटा रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर फरीदाबाद में जगह जगह बूथ स्तर पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि 1980 में भाजपा पार्टी बनी थी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।